बहुत पुरानी कहावत है कि जिनके खुद के घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घर पत्थर नहीं फेंकते। हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी अपनी गर्लफ्रेंड है या फिर जिनकी शादी हो चुकी है, मगर बाहर वो मुंह मारने की पूरी कोशिश करते हैं, वेरस उनकी वाइफ उनसे खुश नहीं है, उनकी गर्लफ्रेंड उनसे खुश नहीं है, कहती है टाइम नहीं देता, रोमांटिक नहीं है, दिस एंड दैट। मगर अंत में होता ये है कि उनकी वाइफ की दोस्त को इनसे पूछती है तो वो उन्हें बोलती है कि मेरा पति तो थकेला है, वेरस पति बाहर मुंह मारने के लिए बहुत ज़्यादा उत्तेजित हो रहा है। दोस्तों, इस चीज़ से बहुत सारी चीज़ें रिलेटेड हैं। यकीन मानिए, आपकी लाइफ में कितना पैसा आएगा ये आपकी इसी चीज़ से रिलेटेड है, मैं इसको साबित कर सकता हूँ। देखिए दोस्तों, कोई इंसान है जिसके दिमाग में सारा दिन यही घूमता रहता है कि कैसे मैं किसी और से बात करूं और चला जाऊं, और काम पे वो अपने फोकस नहीं करता। होता ये है कि जब अलग अलग लोगों से बात करने का मन करता है जिस इंसान को, उसको कभी भी अपने करियर में फोकस करने का मन नहीं करता। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अमीर बनना है, पैसे वाला बनना है, कामयाब बनना है तो मोटिवेशनल वीडियो को सुनना तो ज़रूरी है, मगर समझना ज़्यादा ज़रूरी है। और ये पांच काम आपको सोने से पहले ज़रूर करने चाहिए, नहीं तो कभी भी ज़िंदगी में आप अमीर नहीं बन सकते। और अमीर बनने का फुल ट्रू 100% मैटर है ये। किताबें कुछ भी बता सकती हैं, कोई मूवी, कोई वीडियो कुछ भी बता सकते हैं, मगर सत्य यही है। और यहीं से मैं अपना पहला पॉइंट बता दूं, जो आपका पार्टनर है सिर्फ उसे अपना 100% टाइम दीजिए, यहाँ से सारी चीज़ों की शुरुआत होती है। दोस्तों, हम में से कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने पार्टनर को टाइम नहीं देते और दिमाग ऑफिस की किसी लड़की पे लगा होता है। होता यह है कि घर पे तनाव चलता है, बीवी लड़ती है, और ऑफिस में जाके जिस गर्लफ्रेंड के पीछे भाग रहे हैं उसकी वजह से काम हेल्डअप हो जाता है, और यहीं से गरीबी स्टार्ट हो जाती है। और कुछ टाइम बाद, 5 साल 10 साल बाद, वो लड़की तो ऑफिस छोड़ के शादी कर लेती है, बीवी से मन मुटाव रहता है, और हमारी बम के नीचे ऑल्टो ही रहती है। और बहुत ज़्यादा हो गया तो बुढ़ापे तक जाकर एक होंडा सिटी, बहुत, वो भी बहुत ज़्यादा हो गया तो जाके मिलती है। दोस्तों, ज़्यादा कटु वचन बोलूँगा मगर सत्य बोलूँगा। दूसरी चीज़ जो आपको रात को करनी चाहिए वो है अपनी फैमिली के साथ, अपने परिवार के साथ टाइम बिताना चाहिए। जितने भी अमीर लोग हैं सबको पता है कि भैया अगर अपने परिवार को टाइम दूंगा तो निश्चित ही कामयाब भी बनूंगा और आगे भी बढ़ूंगा। आपको जान के ताज्जुब होगा कि अम्बानी इतना रईस होकर भी अपने बच्चों का पूरा ध्यान रखता है। आप उसके इंटरव्यू सुनिए, आप किसी बड़े इंसान के इंटरव्यू सुनिए, अपने बच्चों को पढ़ाते तक है। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि अपनी फैमिली को टाइम देना उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना अपने बिजनेस को है। इससे आपको मोटिवेशन मिलता है, इससे आपको कनेक्टिविटी महसूस होती है। आपको जान के ताज्जुब होगा कि जो शेर होता है वो अपने परिवार के साथ रहता है और अपने परिवार को साथ लेके चलता है। सब एक दूसरे को प्रोटेक्ट करते हैं, साथ में रहते हैं, परिवारवाद रखता है, अपनी रानी के साथ रहता है, उसकी रक्षा करता है, अपने बच्चों की रक्षा करता है, तभी वो जंगल का शेर कहलाता है। यही हाल हमें रात को चीज़ सोने से पहले अपने पार्टनर के साथ करना चाहिए, अपनी फैमिली के साथ रहना चाहिए। दोस्तों, तीसरी चीज़ है प्लान फॉर द नेक्स्ट डे। अगले दिन आपने क्या करना है इसकी प्लानिंग आपके दिमाग में रात को ही होनी चाहिए, और उसे कैसे कामयाबी से करना है ये भी आपको पता होना चाहिए। वरना होगा ये कि आप अगले दिन प्लान बनाना स्टार्ट करेंगे और इतने में तो दुनिया बहुत तेज़ी से बदल रही है। हम में से कुछ लोग ऐसे हैं जो थोड़ा सा काम करते हैं मगर दिमाग से करते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत कम काम करते हैं मगर बहुत ज़्यादा पैसा कमा लेते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो कदे की तरह मेहनत करते जाते और बॉस कुछ एक फिक्स हड्डी दे देता है इनकम के रूप में, सैलरी के रूप में, और उसे पाके खुश हो जाते हैं। अब है आपके ऊपर, आपको स्मार्ट जॉब करके रात को प्लान बना लेना अपने अगले दिन का कि नेक्स्ट डे वेट करना है कि भैया अब मुझे करना क्या है, या फिर अब मैं करूं क्या, या फिर अब मुझे कैसे कैसे क्या क्या काम करना है, नेक्स्ट डे सोचने से अच्छा आप रात को ही पहले सोच के सोए। दोस्तों, इसके बाद की जो चीज़ है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पांचवी चीज़ सामने से पहले मैं आपको कहूँगा हमारे चैनल से दी मोटिवेशन को सब्सक्राइब कर लेना, और चाणक्य नीति देखने के लिए इस वीडियो को पूरा देखना, और चाणक्य नीति देखने के लिए हमारे चैनल के वीडियोस देखते रहना। दोस्तों, पांचवी चीज़ है रात को जो सोने से पहले आपको करनी चाहिए वो है आपको नोट गिनने चाहिए।
अब आप कहोगे भैया नोट क्यों गिनवाने वाली क्या बात है, क्या करेंगे नोट को गिन के? तो नोट को गिनने से ये फ़ायदा होगा कि आपकी लाइफ में पैसे की बरकत आएगी। 100 का गिनो, 500 का गिनो, 1000, 2000 का गिनो, जो गिनने का मन है गिनो, मगर नोट गिनने से आपको बहुत पॉजिटिविटी महसूस होगी। चप्पल को अपने पेट से थोड़ा दूर रखें, रात को गंदे बर्तन अपने पास ना रखें, सुबह उठते ही शीशा ना देखें, ये सब वास्तु शास्त्र में भी लिखा है और जेन्युइनली ये सब चीज़ें काम करती हैं। ये मोटिवेशन वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, इसको लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। जय हिंद, वंदे मातरम।